बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहु। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं जायका फूड चैनल। नाज़रीन, आज हमारी रेसिपी है चिकन मैक्रोनी। चिकन मैक्रोनी बनाने के लिए हमने मैक्रोनी ले लिए हैं 2 प्याली। चिकन ये हमारा पका हुआ है, यानी बॉयल हुआ हुआ है, कच्चा नहीं है ये। 1 प्याली हमने चिकन ले लिया है। 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट, 1 टेबलस्पून हमने विनेगर सिरका ले लिया है, 2 टेबलस्पून सोया सॉस, 1 टमाटर हमने चॉप कर लिया है, 1/2 शिमला मिर्च ले ली है, इसको चॉप कर ली है, चिली गार्लिक सॉस, इसमें कुटी हुई मिर्चें भी डली हुई होती हैं, ये हमने 2 से 3 टेबलस्पून लिया है। इसी तरह हमने टोमेटो केचप ले लिया है 2 to 3 टेबलस्पून, नमक 1 टीस्पून, ब्लैक पेपर 1 टीस्पून, हरा धनिया थोड़ा सा ले लें, इसको चॉप कर लें, 1 स्मॉल साइज का प्याज ले लिया है हमने, उसको भी इस तरह से काट लें। फ्लेम ऑन कर दी हमने, फ्लेम हमारी मीडियम है। पानी हमने बॉयल होने के लिए रख दिया है। इसमें हम 2 टेबलस्पून ऑयल डाल देंगे। वन टेबल स्पून नमक डाल देंगे और इसमें बॉयल आने देंगे। अब पानी में बॉयल आ गया है, अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे ताकि ये उबल जाए। हमारा पास्ता जो है कुक हो चुका है 8 to 10 मिनट्स में, ये देखें। अब हम इसका पानी ड्रेन आउट करेंगे। 8 to 10 मिनट में हमारा पास्ता बॉयल हो गया। अब हम इसका पानी ड्रेन आउट कर लेते हैं। पास्ते का पानी हमने ड्रेन आउट कर दिया है। अब हम थोड़ा सा ऑयल डालेंगे, 1 टेबलस्पून ऑयल डाल के इसको स्पैचुला की मदद से मिला देंगे ताकि ये आपस में चिपके नहीं। फ्लेम हमने मीडियम रखी है, ऑन कर दी है, पैन हमारा गर्म है। अब हम इसमें 3 to 4 टेबलस्पून ऑयल डालेंगे। इसको गरम होने देंगे। ऑयल गरम हो गया है, अब हम इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट डालेंगे और 1 से 2 मिनट तक इसको फ्राई करेंगे। टमाटर ऐड करेंगे, शिमला मिर्च ऐड करेंगे, इसके अलावा भी आप लोग कोई और वेजिटेबल अपने चैनल डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। अब चिकन ऐड करेंगे,
अच्छी तरह मिक्स करेंगे। नमक और काली मिर्च ऐड करेंगे। ऐड करेंगे और इसको मिक्स करेंगे, थोड़ा सा भूनेंगे इसे। चिकन हमारा बॉयल था इसीलिए हमने इसमें पानी ऐड नहीं किया, अगर हमारा चिकन कच्चा होता तो हम उसको गलाने के लिए पानी ऐड करते। अब हम इसमें केचप ऐड करेंगे। चिली गार्लिक सॉस ऐड करेंगे। अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। अब हम इसमें मैक्रोनी ऐड करेंगे, पास्ता। और इसको मिक्स करेंगे। इसको हल्के हाथ से मिक्स करना है ताकि ये टूटे नहीं। इसको लो फ्लेम पे 2 से 4 मिनट तक पकाएंगे। थोड़ा सा धनिया ऐड करेंगे। इसको मिक्स करेंगे। चिकन मैक्रोनी पास्ता हमारा रेडी है, ये तैयार हो गया है। अब हम इसे डिश आउट करते हैं। फ्लेम ऑफ कर देंगे। नाज़रीन, हमारी आज की रेसिपी चिकन मैक्रोनी तैयार हो गई है, आपके सामने है। उम्मीद है कि आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसे घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स बॉक्स में अपनी राय का इजहार कीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा फैमिली और फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। अल्लाह ताला आपको और हमें खुश और आबाद रखे, एक मकसद और नेक इरादों में कामयाब करे। आमीन सुम्मा आमीन। दुआओं में याद रखिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ। अल्लाह हाफिज़।